आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कूपन कोड यूज करिए एनसीईआरटी, 25% ऑफ है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम एनसीईआरटी लाइव शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी से शुरू करेंगे, ये कंबाइंड है। यार देखो, आप ऐसे सेपरेटली भी ले सकते हो, आपको जरूरी नहीं है। अगर आपको कंबाइंड लेना, कंबाइंड ले लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि वन वीक बाद, एक हफ्ते बाद जो है वो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग है, जिनके पास है, उनको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उनको ये अपडेटेड लेक्चर मिलेंगे। ओके, तो भाई आज हम ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अगेन शानदार एडिटोरियल देखेंगे। भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पे मैं लेक्चर कर रहा हूँ, अभी तो मैं पूरा एक साथी बना दूंगा NFHS पे, बट बहुत वाइड टॉपिक्स पे एडिटोरियल्स आ रहे हैं कि NFHS ने क्या कवर किया है। हमने भी कल मुस्लिम्स के बारे में देखा था, रिलीजन के बारे में देखा था, हमने सोशल इनइक्वालिटी के बारे में देखा था, एजुकेशन के बारे में देखा था, बट आज हम सेक्सुअल लाइफ के बारे में देखेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये शायद ये जो सर्वे है, मतलब इतना ओपनली इसको कराया गया है, और यहाँ पे औरतों ने भी इस पे खुल के बात की है। तो NFHS की स्टडी में क्या पाया गया है, वैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे ये पढ़ सकते हैं, बट हम बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई आपको जान के हैरानी होगी कि वुमेन्स जो हैं, ठीक है, जो औरतें हैं, 6 साल का गैप रहता है। जब उनसे पूछा गया कि आपने पहली बार शारीरिक संबंध कब बनाए, तो इसमें औरतें जो थे उन्होंने बोला कि मैंने कम उम्र में बनाए, और आदमियों ने ज्यादा, मतलब 6 साल, जैसे से 15 साल, 15 ईयर्स ये एज बोली गई जब एक औरत बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहती है, इनफैक्ट एक मर्द से भी ज्यादा। तो वहां पर 6 साल का डिफरेंस आया है। ज्यादातर औरतों ने यह माना कि हाँ, हमने कम उम्र में मनाया। अब देखिए, इसका इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये कि अभी भी बाल विवाह जो है, या कई जगह जो है, वो छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, ये भी एक रीजन हो सकता है। बट आप देख सकते हो कि 6 साल का गैप जो है वो रहता है, अगर हम पहली बार सेक्स की बात करते हैं कि आप अपने पहली बार कब शारीरिक संबंध बनाए, तो ओवरऑल की अगर बात करें, ओवरऑल तो देखिए इसमें तो आदमी है कि 24.8 और 18.9, ठीक है, ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एज ग्रुप की बात हो रही है, मीडियन एज आप देख सकते हैं 18.9, और आदमियों की बात करें तो 24.8। अब इसमें अगर रिलीजन की बात करें तो इस रिलीजन में आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं कि जो औरतें हैं उन्होंने, मतलब 6 साल का डिफरेंस आया है। आमतौर पर 18 साल की उम्र में औरतों ने बोला है कि हमने अपनी वर्जिनिटी खो दी, वी हैड सेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और आदमियों की बात करें तो ये 24.8, यानी कि लगभग 6 साल का डिफरेंस है। बाकी रिलीजन में कोई ऐसा सच डिफरेंस नहीं है, उतना का उतना ही है, ठीक है ना। लेकिन ये एक चौंकाने वाली बात है। अगला देखते हैं। अब ये भी भाई प्री मैरिटल सेक्स की अगर बात करते हैं कि शादी से पहले संबंध बनाए हैं नहीं बनाए हैं, अब इस पे अगर बात करते हैं तो यहां बिल्कुल अलग है। ज्यादातर औरतें ये प्रेफर करती हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ ही इंटीमेट होंगे, लेकिन आदमियों के साथ उल्टा है। अब आप ये देख सकते हो कि अगर हम रिलीजन क्या, अब सभी में ये है कि औरतों ने, जहां पे 1.5% औरतों ने ही कहा है कि शादी से पहले हमने संबंध बनाए, आदमियों की बात करें तो 8 गुना ज्यादा नंबर है, 7.9% आदमियों ने कहा है कि हाँ हमने शादी से पहले संबंध बनाए हैं। यानी कि औरतों की बात करें तो उनका यह रहता है कि हम पहले शादी करेंगे और उसके बाद ही इंटीमेट होंगे, इंडिया की बात हो रही है ये। और अगर आदमियों की बात करें तो उनका ऐसा नहीं है। बाकी अगर आप रिलीजन वाइज देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, इसमें भी मुस्लिम्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट मुस्लिम्स में आदमियों में ज्यादा फर्क है, 5.4, देन क्रिश्चियंस की बात करें तो 1.5, कुछ ज्यादा आपको ज्यादा फर्क मिलेगा, सिखों में मिलेगा 0.5। यहां पर औरतों ने रिजिड है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है शादी के बाद ही हम इंटीमेट होते हैं, और बल्कि आदमियों, देखिए अब ये अजीब और गरीब बात है, सिखों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज यहां पे आदमियों का है 11.8, और सबसे कम औरतों का है। कहने का मतलब है कि जैसे आप से चलिए मुस्लिम ले लीजिए या हिंदू ले लीजिए, तो औरतों ने कहा 1.5% कि हम शादी के बाद ही, सिर्फ 1.5% ऐसी औरतें हैं जिन्होंने बोला कि हमने शादी से पहले संबंध बनाए हैं, बट आदमियां 77.9 है। लेकिन सिख में आप देखिए औरतें जो है वो बहुत कम 0.5, और आदमी बहुत ज्यादा 11.8, तो बिल्कुल इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी कास्ट में आप देख सकते हैं, अगर SCs की बात करें तो 1.5, और आदमी जो है बहुत ज्यादा नंबर है 8.7, तो 8.7% आदमियों ने बोला कि हाँ शादी से पहले वी हैड
मतलब उससे पहले हमने संबंध बनाया है, प्री मैरिटल सेक्स। एसटीज की बात करें तो यहां पे औरतों का नंबर थोड़ा ज्यादा है 2.6, और आदमियों का भी अच्छा खासा, आदमियों का तो ज्यादा मिलेगा ही, ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। देन वेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ के हिसाब से भी सेक्सुअल लाइफ जो है वो डिफरेंट है। जो वेल्दी है, एक तो जो वेल्दी है, जो हाइएस्ट है, वो दे हैव टेन टू हैव मोर सेक्सुअल पार्टनर्स, ये भी इस स्टडी में पाया गया है। स्पेशली औरतें जो वेल्दी है, जिनके पास पैसा है, वो उनके सेक्सुअल पार्टनर आमतौर पर ज्यादा होते हैं, तो ये भी इसमें पाया गया है। तो आप देख सकते हैं, अगर सबसे जो लोएस्ट स्टाटा है उसमें वुमेन जो है वो 1.8% कह रही है कि हमने पहले संबंध बनाए, और आदमी 7.3। लेकिन आप हाईएस्ट देखिए, हाईएस्ट में 1.2, यानी कि जो हाईएस्ट जो वेल्दी हैं, दे आर सेइंग कि 1.2% वुमेन कह रही हैं और आदमी 8.5%। तो इसमें इनवर्स रिलेशन आप देख रहे हैं प्री मैरिटल सेक्स में। आगे देखते हैं, ओके, अब एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो अब मोस्ट एजुकेटेड एंड वेल्दी आर मोर लाइकली टू हैव मल्टीपल पार्टनर, जो कि मैंने आपको बताया कि जो जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा और जितना ज्यादा वेल्दी होगा, तो दे टेंड टू हैव मोर पार्टनर्स। इसमें काफी डिबेट चलती है कि औरतों को भी अधिकार मिलना चाहिए, भाई जैसे आदमियों ने तो सब कुछ अपने हिसाब से करके रखा हुआ है, बट औरतों के लिए सारी के सारे बंधन है, तो ये है। तो अब देखिए, एजुकेशन की अगर बात करें तो जिनकी कोई स्कूलिंग नहीं हुई है, ठीक है, जिनकी कोई स्कूलिंग, तो ऐसे 0.3% औरतें हैं, ठीक है, 0.3% औरतें हैं, दे वर नॉट मैरिड टू लिव विद एनी अदर पार्टनर, ठीक है, ये बोला है। अब अगर आदमियों की बात करें तो ये 2.2% है। अच्छा, आप ये समझ रहे हो ना कि ये, अरे यार एक मिनट, इसको मैं जरा सा मिटा देता हूं, मैं काम करता हूं, मैं पेन नहीं चलाता हूं, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो गंदा हो जाता, मुझे बार बार मिटाना पड़ता। तो शेयर ऑफ वुमेन एंड मेन हु सेड दे हैड सेक्स इन द पास्ट ईयर विद अ पर्सन दे वर नॉट मैरिड टू और लिव्ड विद, जिस इंसान से शादी नहीं है, जैसे बॉयफ्रेंड मान लीजिए किसी का है, अब उससे शादी तो नहीं हुई है, तो उसके साथ रहा और संबंध बनाए, तो अब वो, और मल्टीपल पार्टनर्स की बात की जाए तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप देखिए, इसमें दो है, एक तो एजुकेशन है और एक प्रॉस्पेरिटी है, मतलब कौन कितना अमीर है। तो जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, नो स्कूलिंग, ऐसी औरतें 0.3% है और आदमी भी कम है 2.2, यानी कि कहने का मतलब यही है कि शादी से पहले, मतलब जिनसे उनकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, या मल्टीपल पार्टनर्स की बात करें, अगर स्कूलिंग नहीं है तो वहां पे संबंध नहीं बन रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे स्कूलिंग बढ़ती जाती है तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ संबंध भी बढ़ते जाते हैं, प्लस यहां पे ये भी है कि हाँ, इससे पहले भी वी हैड सेक्स विद दी पार्टनर्स जिनसे हमारी शादी नहीं हुई है। अब आप देखिए, जिसकी 5 साल की स्कूलिंग हुई है, देखिए अब बढ़ रहा है 0.4, आदमी भी 2.9, 5 से 7 साल 0.4, 2.4, 8 से 9 साल जिनकी स्कूलिंग हुई है 0.5, 3.5, 10 से 11 साल 0.4, 3.3, और 12 साल से ऊपर, मतलब जो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, वो 0.8 और 5.6, ठीक है। तो ये बड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। फिर इस प्रॉस्पेरिटी में देखिए, अब ये देखिए कि जो जितना ज्यादा वेल्दी मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनके पास, जीरो, जैसे औरतों की अगर बात करें जो लोएस्ट है 0.5, मेन 3.4, लेकिन अगर हाईएस्ट की बात करें, जो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो 0.6 और 4.8, ठीक है। तो ये चीज है। देन उसके बाद राइट टू रिफ्यूज सेक्स, अगर मुझे शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जब पूछा गया तो उसमें यह बोला गया, कुछ लोगों ने 30% से 40% लोगों ने बोला कि भाई अगर मेरी पत्नी है तो शी कांट रिफ्यूज सेक्स, क्योंकि मर्दों का ही अधिकार होता है, अगर उनको चाहिए, उनके हस्बैंड को चाहिए तो चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा पूरे देश में नहीं है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी, 83% वुमेन्स और 87% आदमियों ने यह बोला है कि हाँ, अगर हमको संबंध बनाने का मन नहीं होता तो वी कैन रिफ्यूज इट। ये बड़ा आंकड़ा है। तो देख सकते हो, ये 90%, अगर गोवा की बात करें तो गोवा में 98% आदमियों ने बोला है कि हाँ, उनकी वाइफ, जो उनकी बीवियां हैं, दे हैव द राइट टू रिफ्यूज सेक्स। तो ये जो मैप है, ये शेयर ऑफ मेन बताता है कि जिनकी पत्नियां जो हैं वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर सकती हैं। तो ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है, 90.5, 92.3 और 88, यानी कि लगभग 85% के अगल बगल है। अगर आप एवरेज देखो तो
एक तरीके से शादी के बाद भी औरतें संबंध बनाने के लिए मना कर सकती है, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। देन अगेन नेक्स्ट में हम आते हैं, अब ये ही है कि भाई देखो ये एक आंकड़ा है कि औरत और आदमी जो संबंध बनाते हैं वो हर 7 दिन में बनाते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो रिलीजन में आप ये लगभग लगभग सेम ही मिलेगा, बट इसमें एक चीज है कि एज के साथ कम होता जाता है, ये एज के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे संबंध बनाने का पीरियड भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ये देख सकते हैं कि अगर औरतों की बात करें तो हिंदू औरतें बोलती है कि हम लगभग 7 से 8 दिन के बीच में वी हैव सेक्स, हम संबंध बनाते हैं, ठीक है, ये एवरेज है, ठीक है। आदमियों की बात करें तो 7 मुस्लिम 7 अगेन 7 से 8 दिन जो आदमी है वो 6, तो ये आंकड़ा लिखा हुआ है। हालांकि इसमें कुछ खास रिलीजन वाइज देखिए जब संबंध की बारी आ रही है ना यहाँ पे, जब सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट की बारी आ रही है तो किसी भी धर्म में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये लगभग लगभग सेम है। अब अगेन एजुकेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब बड़ी बात यह है यहां पे कि भाई जिनकी स्कूलिंग नहीं हुई है उनका कहना है कि हम 10 से 11 दिन में हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन जिनकी स्कूलिंग हुई है, जिसने जितनी ज्यादा एजुकेशन ले ली, वो कहता है कि हम कम दिन के अंदर शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो ये भी अजीब और गरीब बात है। बोला गया कि जब तक औरत या आदमी एक एरिया में रहते हैं, एक रूल्स एंड नॉर्म्स में रहते हैं, ठीक है, बाहर नहीं जाते हैं, तब तक तो सब कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि दे टेंड टू हैव मोर सेक्स, ठीक है। तो वहां पे संबंध बनाने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती है, जितना ज्यादा पढ़ लिख गया और जितना ज्यादा बाहर चला गया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आप देख सकते हो कि लेकिन ये अजीब है, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर लोग उल्टा समझते हैं कि भाई जो गांव में है या जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो घर में रहता है, तो वो रहता है कि भाई वो लोग इतना शायद नहीं होता है उनका और थोड़ा रिजिड एटमॉस्फेयर होता है। बट जो इंसान पढ़ लिख गया, यहां उल्टा है, ठीक है, जो पढ़ लिख रहा है या जो बाहर जा रहा है वो कम दिन के अंदर संबंध बनाएगा। तो ये जो चार्ट है इस आंकड़े को दर्शाता है। तो एजुकेशन, अगर कोई स्कूलिंग नहीं है तो वुमेन 10.3%, मेन 6.9%, 12 साल से ऊपर है तो 7.5 और 7.5, मतलब 7 से 8 दिन आप समझिए। वेल्थ में अगेन, वेल्थ जो है ना भाई, वेल्थ हर चीज को डिटरमाइन करती है। तो वेल्थ में भी यही हिसाब किताब है, जो औरतें हैं वो 7.8, मेन 7.2, हाईएस्ट 7.5, 7.3, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब आम तौर पे आम भाषा में अगर बात करें तो हर 7 दिन के अंदर अंदर जो कपल हैं वो संबंध बनाते हैं। अब ये बहुत जबरदस्त चीज है भाई, क्या बात है। यहां पे औरतों का बोलना है कि भाई हम अगर घर से बाहर होते हैं तो वी टेंड टू हैव मोर सेक्स। 56% औरतों ने बोला है कि भाई अगर वी आर नॉट एट होम फॉर अ मंथ तो हम भाई वी हैव, ठीक है, कि अगर 1 महीने या उससे ज्यादा अगर हम बाहर है घर के तो वी टेंड टू हैव मोर सेक्स, ठीक है। तो यंग पीपल की आप देख सकते हैं, और आदमियों का जो आंकड़ा है वो खाली 32% है, ठीक है, औरतें 55.6% पे हैं और जो आदमी है 32.1, यानी कि औरतें अगर बाहर है वो तो भाई तो देट वो है, ठीक है। अब 2 या उससे ज्यादा पार्टनर्स, इसमें औरतें बहुत कम है, 0.8, लेकिन आदमी जो है वो 2.6 पे हैं, ठीक है। हैड सेक्स विद समवन नॉट देयर पार्टनर, मतलब किसी दूसरे से सेक्स करना जो उनका पार्टनर ना हो, 1.1, लेकिन आदमी को देखिए आदमी कितने बड़े बेवफा हैं, 6.1, 6 गुना ज्यादा। तो आदमी आपको 3-4-6 गुना ज्यादा मिलेंगे। नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स इन लाइफ टाइम, यहां पे अब ये बहुत चौंकाने वाली बात है, यहां पे भाई आपको औरतों के वही है कि क्या वो बेवफा है, वो नहीं था सोनम गुप्ता बेवफा है उसी तरीके का। तो नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स इन लाइफ टाइम, औरतें 2.3, यानी कि 2 से 3 पार्टनर्स होते हैं, और आदमियों के ऑन एन एवरेज 2 पार्टनर होते हैं, यानी कि यहां पर औरतों ने बाजी मारी है। अब ये बहुत अगेन पेड सेक्स, ठीक है, पेड सेक्स जब आप समझ गए ना, तो इसमें औरतें बिल्कुल निल है 3.3, लेकिन आदमी आधे से ज्यादा आदमी 52.7% दे पे फॉर सेक्स, ठीक है ना, दे पे फॉर सेक्स, और औरतें बिल्कुल भी पे नहीं करती। तो ये लेक्चर था दोस्तों, ये एक बहुत ही बोल्ड टॉपिक है और ये जरूरी भी है ना। आप ये समझिए, तो एक्चुअली मैं एक दूसरा लेक्चर बनाने वाला था अभी मर्डर मिस्ट्री पे, तो उसी की स्लाइड आ गई। आपको पता ही कि मैं तड़ा तड़ लेक्चर बनाता हूँ,
तो ये समझिए कि ये सब NFHS की स्टडी है और ये बतानी भी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल हमारे NCERT कोर्स जो है वो लाइव है, लाइव आने वाला है, तो बड़े हुए दामों पे मत खरीदिए, पुराने दामों पे ही खरीदिए, अभी 25% ऑफ निकाला है। थैंक यू सो मच।